यह वीडियो वकांडा के संगीत पायलट के दिमाग की उपज है जिसका किसी भी देश के रेलवे से कोई संबंध नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बिना सिर पैर की एक कहानी चलेगी। स्किप करने वालों की शादी मियां खलीफा से होगी। ये कहानी है उस दौर की जब इस देश में एल्को लोको का साम्राज्य अटक से कटक तक फैला हुआ था। कॉकरोच जैसी शक्ल के ये लोको जब डीजल फूंक कर धुआं उड़ाते हुए ट्रैक पर आते थे तो मालगाड़ियां इन्हें देखकर बावड़ी हो जाती। समय बीतने के साथ साथ जहां एल्को वंश के आने वाले शासक दिन रात माल फूंक कर यार्ड में मस्त पड़े रहते थे, वहीं इलेक्ट्रिक लोको शेड में अपने आप को इवोल्व करते गए। एल्को लोको आए दिन अपना काम छोड़कर रंग रेलिया मनाने के लिए बांग्लादेश के रास्ते बैंकॉक निकल जाते थे और पीछे से इनके सेनापति WDG-4 बात बात पर आग और धुआं उगलकर मालगाड़ियों को डराते धमकाते थे। 2% कार्बन इमिशन का सपना देखने वाली मालगाड़ियों ने इलेक्ट्रिक लोको के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और इस प्रकार रेलवे साम्राज्य की सत्ता इलेक्ट्रिक लोको के पास चली गई। सत्ता में आते ही इलेक्ट्रिक लोको ने यार्ड के कोने में ले जाकर एल्को लोको को मारा। बहुत मारा। मतलब अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे WDG-4 लोको को उसकी प्रेमिका ICF कोच ने अमेरिका से उसके चचेरे भाई WDG-4G की सहायता लेने का सुझाव दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रिक साम्राज्य के सेनापति WAG-9 को ये पता चला तो उसने ICF कोच को पीछे से ठोक कर कहा, गद्दारी कर बे। अमेरिका में पले बड़े WDG-4G लोको को ये बात पता चली तो वो गुस्से से रंग बिरंगा हो गया और 1000 4G लोको के साथ वकांडा पर आक्रमण करते हुए एक स्वर में कहने लगा, रोजा शेड को अपनी छावनी बनाकर सबसे पहले वो WDG-4 की सहायता से वकांडा में घुसा और गेट पर खड़े WAG-5 को उल्टा पटक कर मारा। उसके बाद साइडिंग में पावर नैप ले रहे WAG-7 पर अपना डीजल छिड़क कर धोखे से उसमें लगा दी आग। लेकिन अब WDG-4G का मकसद इलेक्ट्रिक साम्राज्य के दो खूंखार लोकोमोटिव WAG-12 और WAG-9 को खत्म करना था, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। 14 फरवरी को वैलेंटाइन की पार्टी करके लौट रहे WAG-12 को WDG-4G लोको ट्रांसफार्मर का तेल दिलाने के बहाने DFC सेंटर ले गया, जहां पहले से घात लगाए WDG-4 लोको ने OHE का कनेक्शन काट कर उसके हाथ पैर तोड़ दिए। जब खूंखार WAG-9 को ये पता चला तो वो सारे सिग्नल तोड़कर रोजा शेड में घुसा और 4G लोको को मालगाड़ी समेत उठा ले गया। अरावली के घाट सेक्शन में चली इस मुठभेड़ में WAG-9 लोकोमोटिव ने पत्थरों से मार मार कर WDG-4G लोको को लंगड़ा कर दिया, जिसके बाद तो स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सन की पायलट में, जिसमें मैं असिस्टेंट लोको पायलट MS राजपूत आज आपके सामने खोल के रखने वाला हूँ विजय माल्या की बोतल के शक्ल के दिखाई देने वाले WDG-4G लोकोमोटिव को। आइए देखते हैं मजा। 2014 में जब वकांडा के महाराज ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान पेंसिल्वेनिया में एक मेले कुचेले लोको को अपनी औकात से बाहर हाथी जैसे दिखाई देने वाले 3 लोको को घसीटते हुए देखा तो तुरंत पीले संतरे से कहा, अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। 2015 में 50% कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले डीजल लोको बनाने की नीलामी में 2 चाइनीज कंपनी CSR तथा CNR को बाहर फेंकने के पश्चात चचा ने 1000 डीजल लोको बनाने का ठेका जनरल इलेक्ट्रिक को देते हुए कहा, अमेरिकन ठेकेदार जनरल इलेक्ट्रिक के सामने चचा ने शर्त रखी कि उसे 300 WDG-6G तथा 700 WDG-4G लोको बनाकर देने हैं, जिनमें से शुरू के 50 वो घर से, मेरा मतलब अमेरिका से बनाकर लाएगी तथा बाकी बचे 950 लोकोमोटिव बिहार के मरहोरा प्लांट में बनाने पड़ेंगे, जिस पर जनरल इलेक्ट्रिक वालों ने कहा, इस प्रकार WDG-4G लोको का जन्म सन 2017 में अपने 49 भाइयों के साथ अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ, जिसे रंग बिरंगे कपड़े पहनाने का काम GE ग्लोबल रिसर्च सेंटर बेंगलोर के द्वारा किया गया। कोको व्हील अरेंजमेंट होने के कारण इसकी एक बोगी में 3 ट्रैक्शन मोटर तथा पूरे लोको में 6 ट्रैक्शन मोटर होने के कारण इसका वजन 132 टन तक चला जाता है, जिसके कारण इसकी पटरियों पर पकड़ काफी मजबूत रहती है और ये बिल्कुल नहीं फिसलता। जबकि WAG-12 की एक यूनिट में मात्र 4 ट्रैक्शन मोटर तथा वजन मात्र 90 टन होने के कारण इवोल्यूशन सीरीज का 4-स्ट्रोक 12 सिलेंडर का इंजन होने के कारण इसमें फ्यूल प्रॉपर तरीके से जलता है, जिससे ये नाम मात्र धुआं उत्सर्जन करता है, जबकि 2-स्ट्रोक इंजन वाला हमारा WDG-4 तथा एल्को लोको की टॉप स्पीड वाले इस लोको की
टंकी 6,750 लीटर में फुल होती है, जिसमें फ्यूल बैलेंस देखने के लिए तीन तीन ग्लास रोड लगाई जाती है, जबकि सिंगल ग्लास रोड वाले WDG4 में फ्यूल बैलेंस चेक करता हमारा ELP। माँ मुझे कुछ दिखाएंगे जरा माँ। फोर स्ट्रोक इंजन लो आरपीएम पर भी हाई टॉर्क जनरेट करते हैं, जिसके कारण इसका स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट 544 किलो न्यूटन तक चला जाता है, जिससे ये हाई ग्रेडिएंट वाले स्टेशन पर भी आसानी से चढ़ जाता है। जबकि टू स्ट्रोक इंजन वाले WDG4 लोको को चढ़ाई वाले स्टेशन पर स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करते समय भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। फोर स्ट्रोक इंजन होने के कारण एक तो पहले से ही तेल का नशा कम करता है, तथा इसके साथ साथ लूप लाइन में पड़े पड़े गुड़गुड़ गुड़गुड़ करके एक घंटे में 45 लीटर तेल खाने से रोकने के लिए इसमें APU बोले तो ऑक्सिलरी पावर यूनिट नाम की डिवाइस लगाई जाती है, जिससे लूप लाइन में खड़े रहने पर 10 मिनट तक रिवर्सर या थ्रोटल नहीं ऑपरेट करने पर ये अपने आप बंद हो जाता है। जबकि लूप लाइन में खड़ा हमारा WDG4 और एल्को लोको बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। आज ही मैं 25 करोड़ रुपए लेके निकला था मार्केट में खर्च करने के लिए। अगर बात इसके पॉजिटिव पॉइंट की जाए तो LED हेडलाइट होने के कारण इसमें रात में भी क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है, तथा कोहरे और धुंध के समय साफ दिखाई देने के लिए इसमें डीप फोकर भी लगाया गया है। जबकि हेलोजन लाइट वाला हमारा WAG9 मैं गरीब हूँ कंप्रेसर का तेल देखने के लिए स्पाई ग्लास तथा कूलेंट के लिए भरा गया वाटर का लेवल चेक करने के लिए ग्लास रोड बाहर होने के कारण LP से बिना कपड़े गंदे करे भी आसानी से चेक कर सकता है। जबकि तेल और राख से नहाए WDG4 और एल्को लोको को चेक करते समय हमारा LP लोको को स्टेबल करने के लिए हैंडब्रेक के रूप में WDG4 में हेडपंप का हत्ता देखकर LP को सनी देओल दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर WAG9 में चक्के को गोल गोल घुमाकर वो खुद गन चक्कर बन जाता है। वहीं दूसरी ओर WDG4G लोको में पार्किंग ब्रेक की सुविधा होने के कारण ECC पैनल पर लगे लाल बटन को दबाते ही हमारा लोको स्टेबल हो गया, पता ही नहीं चला। फुल्ली कंप्यूटराइज होने के कारण इसे स्टार्ट तथा शटडाउन करने के लिए नाम मात्र के सर्किट ब्रेकर को ऑन तथा ऑफ करना पड़ता है, जबकि WDG4 के 40 तथा एल्को लोको के 400 सर्किट ब्रेकर को क्रम से ऑन तथा ऑफ करते समय हमारा लोको पायलट मुझे क्या करना है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। WAG7 में भय भय करके चिल्लाने वाले ब्लोअर तथा WDG4 में गुड़ गुड़ की आवाज से इसमें काम करने वाला आदमी 4 घंटे में चिड़चिड़ा हो जाता है। जबकि WDG4G लोको के कैब का दरवाजा बंद करते ही इसमें पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, जिसके कारण हमारा लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट से पूछने लगता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई। अगर बात इसके कैब व्यू की जाए तो इसकी फुल्ली फर्निश्ड कैब में सबसे पहले आपको मिलता है लोको के ब्रेक फेल हो जाने पर इमरजेंसी यूज के लिए लगाया गया ड्राइवर बैकअप वाल, 14-14 इंच की 4 फुल AMOLED डिस्प्ले स्क्रीन, रनिंग रूम के ठंडे खाने को गर्म करने के लिए हॉट प्लेट, गर्मियों में खोपड़ी को ठंडा रखने के लिए AC, सर्दियों में खून को गर्म रखने के लिए हीटर, तेल की बास तथा गंदी भाप को बाहर निकालने के लिए वेंटिलेशन विंडो, धार मारने के लिए लाइट वाला टॉयलेट, वेरिएबल इंटेंसिटी वाली स्पॉट लाइट तथा डिफरेंट स्पीड पर चलने वाले कैब फैन, और मेरी पर्सनली फेवरेट पंचायत के सचिव जी की चक्के वाली कुर्सी, जिसे सिग्नल ना मिलने पर 160 डिग्री तक बेंड करके लोको पायलट अपनी कमर सीधी कर सकता है, जबकि WAG5 में 40% पिछवाड़ा टिकाया हुआ हमारा लोको पायलट हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। अगर बात इसके नेगेटिव पॉइंट की जाए तो जहां WDG4 लोको में प्रत्येक एक्सेल के पास सेपरेट सैंडबॉक्स होने के कारण इसमें आसानी से सैंड को चेक किया जा सकता है, वहीं WDG4G लोको का सैंडबॉक्स इसकी छाती पर लगा होने के कारण सैंडबॉय को सैंड डालने तथा LP को सैंड चेक करने के लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ती है। इसके अलावा सारे सैंडर्स में एक ही सैंडबॉक्स से सैंड जाने के कारण जिस दिन इसका प्रेशर वाल्व खराब हो जाता है उस दिन इतनी हाई क्वालिटी का होता है कि साले को आधे घंटे लगातार चलने पर ये कैब को लेह लद्दाख बना देता है, जिससे BP शुगर की गोलियां खाने वाला हमारा लोको पायलट बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। कंप्रेसर का तेल देखने के लिए लगा स्पाई ग्लास में ऑयल लेवल हमेशा येलो जोन में दिखता है, तथा कंप्रेसर के चलने में वो पूरा गैप हो जाता है, जिससे अभी अभी ट्रेनिंग करके आया हमारा LP गधे की तरह भागता हुआ लोको पायलट से कहता है पीछे देखो पीछे देखो। लोको के आगे लगी CBC कपलिंग में CBC हैंडल नहीं होने के कारण इसमें स्क्रू कपलिंग को नहीं लगाया जा सकता, जिसके कारण इसके पीछे ICF कोच वाली पैसेंजर ट्रेन को जोड़ना असंभव असंभव बेहद असंभव।
WDG 4 लोगों की मल्टीपल यूनिट में आगे के लोगों का तेल कम होने पर उसे आइडल करके पीछे के लोगों से पावर लिया जा सकता है, जबकि WDG 4G तथा 6G लोगों में ऐसा करना मजाक है क्या? लोगों को चेक करते समय कभी टर्बो सुपर चार्जर के बोल्ट मिसिंग मिलते हैं तथा कभी कभी फ्यूल टैंक का कैप मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। वाटर लेवल चेक करते समय ग्लास रोड में एयर बबल घुस जाने के कारण वाटर फुल होने के बावजूद भी आधा शो करता है, जिसे देखकर हमारा नया नया LP त्राहिमाम मचा देता है, लेकिन टेक्नीशियन को बुलाने से पहले ही वो अपने आप फुल हो जाता है, जिससे LP को गंदी गंदी गालियां पड़ती है और वो WDG 4G लोगों से कहता है चीटिंग 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 करता है तू। WDG 4 लोगों में ब्रेक सिलेंडर के बाहर होने के कारण LP उसके रिलीजिंग को आसानी से चेक कर लेता है, जबकि WDG 4G लोगों में ब्रेक रिलीजिंग को चेक करने के लिए उसे झुक झुक कर चक्के तथा ब्रेक ब्लॉक के बीच का गैप देखना पड़ता है, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। WDG 4G लोगों को डेक बनाकर ले जाते समय कई बार पार्किंग ब्रेक ऊपर से रिलीज होने के बाद भी नीचे से रिलीज नहीं होते, जिससे लोगों का चक्का घसीटता हुआ जाता है, जिससे हमारे लोको पायलट तथा LP को चार्जशीट मिलना आसान है। अगर बात इसके प्राइस की जाए तो स्पेशली अमेरिका से इंपोर्ट किया गया WDG 4G का टॉप वेरिएंट, जिसकी नंबर प्लेट 49000 से 49050 है, आपको 32 से 40 करोड़ रुपए में पड़ेगा, जबकि मेक इन वकांडा प्रोग्राम के तहत बिहार के मरहोरा प्लांट में बनने वाले WDG 4G के बेस वेरिएंट को आप 14 से 18 करोड़ रुपए में रोजा, गुत्ती या गांधीधाम के किसी भी शोरूम से आसानी से खरीद सकते हो। अगर आप भी इस दिवाली आइडिया करके बेरोजगार घूम रहे अपने बच्चे से कोयला चावल सीमेंट ढुलवाने के लिए किसी किफायती डीजल लोगों की तलाश कर रहे हैं, तो मात्र 1 लाख की डाउन पेमेंट तथा 7 पीढ़ियों तक चलने वाली 2000 रुपए की आसान किस्तों में आज ही अपने घर ले आए WDG 4G। और हाँ, अगर आप मेरा कूपन कोड संकी पायलट यूज करते हैं तो आपको मिलेगी 2 किलोमीटर लंबी रेल की पटरी, तनु रावत द्वारा डांस करके पवित्र किया गया BCNHL का डिब्बा, गुत्ती शेड से 4 साल की फ्री सर्विस और 1 रेलवे स्टेशन बिल्कुल फ्री। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। वीडियो में 1% भी कुछ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा देना भूलें।